काम चल रहा है थोड़ा और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि कब मैं फंसाऊंगा। वो कहाँ गया महाराणा प्रताप का ये तो वही गया जा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया महाराणा प्रताप के देव ने सुनाई। आवाज तो आई ना मेरी? ठीक है। लोग होते हैं भाई साहब, उसने नहीं देखा महाराणा प्रताप को, उसने अकबर को भी नहीं देखा। वो जो लोग इतिहास में लिख गए वो कहना पड़ता है मैं तो ऐसी कोई बात करता नहीं हूँ भाई साहब। वो कह रहा था बोलो मैं मांडलगढ़ से आया हूँ, मैं चौथ का बरवाड़ा से आया हूँ। पैदा हुए वही नाम बताओ ना यार। और वो मांडलगढ़ से आया तो उसमें उसका क्या है उद्दान भाई? उसके माँ बाप की टाइमिंग मांडलगढ़ में ठीक बैठी। मेरे माँ बाप की जोत का बरवाड़ा में बैठी तो मैं वहां पे डाउनलोड हो गया। मतलब आदमी को मस्त रहना चाहिए। ये मोमोज अभी थोड़ी देर रोक दो फिर ये ताली कैसे बजाएगी? अब रुक जाओ, मेरे को मेरी दुकान के टाइम दो और लेके बाकी ले जाओ भाई इसको, और बाहर भी किसी को मत खान दो। मैं बामण हूँ भाई साहब, दूसरों को खाते हुए नहीं देख सकता। जो बाहर खड़े उनको सबको बुलाओ। सब आगे तो बैठो। भी वीर रस का मैं शुरू में मैं भी वीर रस का ही कवि था। तो एक बार मैंने सुना दी जोर जोर से, मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, जिनकी बंदूक से हो गए लाखों ढेर। तो नीचे से बोला अबे तू थोड़ा ठहर। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोले बेवकूफ महाराणा प्रताप बंदूक नहीं बाला चलाते थे। तो ऐसे क्या है टेंशन हो जाती है। मैं कोई ऐसी माथा फोड़ी बात नहीं करता। एक भाई तो बात करने में बिजी है, नहीं तो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो रात को रजाई में डाल दे। बोले इसी में आ। मैंने कहा मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी तो मिक्स कर दे तेरे से कोई बात नहीं। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो गेहूं भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू थैले में मिक्स कर देना यार, तेरे को काई बात की प्रॉब्लम है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू वापिस पकड़ अपने। मस्त रहना चाहिए। तो मस्त रहना चाहिए भाई साहब फालतू फोकट में। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। अब आजकल देखो ये नए नए छोरे भाई साहब, ऐसे ऐसे छोरे मिलेंगे आपको 100 ग्राम का मुंह और 2.5 किलो की दाढ़ी। और फिर ऐसे लिखते हैं फेसबुक पर टिकटॉक पे ऐसे वीडियो बनाते हैं ये स्लो मोशन में, हम जहां चलते हैं तो दिल्ली के तख्त बदलते हैं। आलंगीन के घर जाके देखो तो पता चलता है
टीवी का रिमोट भी मम्मी से पूछ के बदलना पड़ता है, कौन सा चैनल लगाऊं, फैशन टीवी लगा लूं क्या? बोला नहीं बेटा, तू अभी भी उस पे डिस्कवरी पे ही अड़ा रहे या कोई कार्टून नेटवर्क देख ले। और लड़कियां, ये लड़कियां जेब में सलमान खान का फोटो रखती है, हालांकि बाद में इनका भी ब्याह जेठालाल से ही होता है। मस्त रहना चाहिए, देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए पास है, जो कोई भी कर लेता है वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। ताली बजाने की बात यह है कि ये जो बेवकूफ बोल रहे हैं, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, तो ये एक बात नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, कोरोना ने पैसा बहुत परेशान कर रखा है कि कभी चाय की चुस्की में, कभी वाइन में, तो कभी विस्की में। मैं बीच बीच में आपको कविताएं अभिताएं भी सुनाता रहूंगा, मैं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं करता। पुराना ढीगड़ा क्या मतलब अपने को इतनी माथा फोड़ी से है, आदमी बिना बात ही परेशान हो रहा है। अपने को परेशान नहीं होना, वो कहां गया महाराणा प्रताप का प्रश्न, वो तो खुद की सुना के निकल गया भाई। तो तकलीफ में होती है यार, भुगतना पड़ता है। आ रहा है एक और आया, फोन पे बात करता हुआ आ रहा है। भाई या तो अंदर आ या बाहर जा, दहलीज पे तो हिरण्यकश्यप के साथ। मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ भैया, जितना तुम्हारे अंदर टोटल दिमाग है उतना मेरा खराब ही रहता है। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ शाना। बोला इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को गया, लेकिन मैं भी चोट का भरवाड़ा था। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी, वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम। नेताओं की क्या बात करो, देखो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद। राजनीति से कोई मतलब मैं पहले कह दिया, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं मेरी लुगाई का आदमी हूँ और किसी का भी नहीं। अपने खाई इतनी इधर उधर टोरे डालते फिरे, मस्त रहना चाहिए। देखो हमारे कोटा के नेता बहुत बढ़िया होते हैं, कोटा जितने अच्छे नेता आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे।
आप दुनिया भर में चाहे मोमबत्ती लेके ढूंढो, उड़द लेके ढूंढो, बिल्कुल ये शहर का विकास कराए नहीं कराए खुद का जरूर करा लेते हैं। जैसे हमारे बिड़ला जी वो विधायक थे, डायरेक्ट लोकसभा स्पीकर बन गए। धारीवाल जी डायरेक्ट गृह मंत्री बन गए। किशनगढ़ में एयरपोर्ट बन गया और कोटा वाले अभी भी बस स्टैंड पे ही अटक रहे हैं। बोलना चाहिए भाई साहब, कोई नहीं बोले। अभी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अगर आपको बनाना था, होगी आपकी 56 इंच की छाती होगी तो बनाना था तो नया बनाते, लेकिन इस पूरे देश को जोड़ने वाले, हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिराने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के आपको चेंज नहीं करना चाहिए था, नया बना लेते। पैसे लगाओ, नया बनाओ, नहीं तो फिर रास्ता रोकेंगे लोग, हम क्या करें उसमें। अच्छा मोदी जी क्या है, आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जरूर जाते हैं, फिर दोनों को आगे वाली सीट पे बिठा देते हैं जैसे हमने आप दोनों को बिठा रखा है। फिर कहते हैं भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह और मित्रों ये दोनों जहां कहीं मेरी वजह से। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं करते, उसके उनके 10-15 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। एक बार में धुला लाते हैं, बार बार ऐसा नहीं। अच्छा कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो बोले यार ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है, ये अटल जी तो बहुत बेकार प्रधानमंत्री बन गए, 13 दिन में सरकार गिरा दी होगी। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो बोले यार ये तो और बेकार। फिर उन्होंने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा दिए, तो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाए वो खुद की पे ही चढ़ गए। वो बोले यार ये अडवाणी जी तो बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है। फिर वो आए 56 इंच चाय वाले को देख के बोले ये तो और बेकार आदमी है, ऐसा बेकार प्रधानमंत्री तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देखा उस दिन आपको ये नरेंद्र मोदी अगर भेरू जी का अवतार कभी चाय की चुस्की में, कभी वाइन में, तो कभी विस्की में, कभी टीवी में, कभी अखबार में, कभी स्पा जिम और कार में, और दो पंक्तियां मैंने नहीं लिखी है, आपको लगे कि मैंने 100 करोड़ लोगों का दर्द 2 लाइनों में कहने की कोशिश की है तो आप सब तालियां बजाना कि कभी चाय की चुस्की में, कभी वाइन में, तो कभी विस्की में, कभी टीवी में, तो कभी अखबार में, स्पा जिम और कार में, आजकल स्पा जिम और कार में, कभी चाय की चुस्की में, कभी वाइन में, तो कभी विस्की में, कभी टीवी में, कभी अखबार में, कभी ट्रेन बस और कार में, स्कूल में है, कॉलेज में है, आजकल हर किसी की नॉलेज में है। अरे गर्मी तूने ठंडी को भी नहीं छोड़ा, किराना स्टोर से लेकर सब्जी मंडी को भी नहीं छोड़ा, अरे ससुराल तो ससुराल मेके में भी चला गया, कमबख्त दारू के ठेके पर भी चला गया, और अब तालियां चिया। अरे गर्मी तूने ठंडी को भी नहीं छोड़ा, किराना स्टोर से लेके सब्जी मंडी को भी नहीं छोड़ा, अरे ससुराल तो ससुराल मेके में भी चला गया, अरे कमबख्त दारू के ठेके में भी चला गया, बूढ़ा बच्चा जवान हर कोई तुझे झेलता है,
तू विराट कोहली से भी अच्छा खेलता है, पर एक बात बता कोरोना, तू इन नेताओं की रैलियों में क्यों नहीं खेलता है? कभी चाय की चुस्की में, कभी वाइन में, तो कभी विस्की में, कभी टीवी में, कभी अखबार में, अरे स्पा जिम और कार में, अरे आजकल स्कूल में है, कॉलेज में है, आजकल हर किसी की नॉलेज में है, अरे गर्मी तो गर्मी, तूने ठंडी को भी नहीं छोड़ा, किराना स्टोर से लेके सब्जी मंडी को भी नहीं छोड़ा, अरे ससुराल तो ससुराल मेके में भी चला गया, कमबख्त दारू के ठेके पर भी चला गया, बूढ़ा बच्चा जवान हर कोई तुझे झेलता है। तू विराट कोहली से भी अच्छा खेलता है, पर एक बात बता कोरोना, तू इन नेताओं की रैलियों में क्यों नहीं फैलता है? तो कोरोना बोला मेरे से, कोरोना के भी शायरा साहब जा रहे हैं क्या? अच्छा हंसी आ रही है कि खांसी आ रही है? आड़ी तो हंसी चाहिए। तो कोरोना बोला कि मेरा एक सिस्टम है, मैं इन नेताओं की तरह नहीं करता हूं, मेरा एक सिस्टम है, मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता हूं, मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता हूं, मगर इसका प्रचार नहीं करता हूं, मैं फेफड़ों पर अटैक जरूर करता हूं, मगर भ्रष्टाचार नहीं करता हूं। और हमारे एक बड़े कवि ने कहीं लिखा था उर्मिलेश जी ने कि पूरी हिम्मत से बात बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे।